तो बच्चों हमने जो चैप्टर पढ़ा उसका नाम क्या था द एड्रेस आज हम करने वाले हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चलो करते हैं शुरू पहला सवाल हैव यू कम बैक क्या तुम वापस आ गई हो सेट द वूमन उस महिला ने बोला आई नो वन हैड कम बैक मुझे ये लगा कि कोई भी वापस नहीं आया है स्टेटमेंट क्या ये वाक्य गिव सम देता है आपको कोई संकेत अबाउट द स्टोरी कहानी के बारे में इफ़ यस yes, अगर हाँ वॉट इज इट तो वो क्या संकेत देता है तो बच्चों इसका उत्तर हमें कैसे लिखना है हम लिखेंगे यस हाँ दिस स्टेटमेंट ये वाक्य गिव्स सम क्लू हमें देता है कुछ संकेत अबाउट द स्टोरी कहानी के बारे में ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर युद्ध के शुरुआत के भाग में मिसेस डॉर्लिंग मिसेस डॉर्लिंग हैड शिफ्टेड द इम्पॉर्टेंट बिलोंगिंग्स ऑफ हर एक्वेंटिस मिसेस एस मिसेस डॉर्लिंग ने अपनी एक्वेंटिस यानी कि एक परिचित मिसेस एस का कुछ इम्पॉर्टेंट ज़रूरी बिलोंगिंग्स सामान शिफ्ट कर दिया था फ्राम हर हाउस मिसिस एस के घर से अपने घर कहाँ पर अपना घर उस घर का एड्रेस है फोटी सिक्स मार्कोनी स्ट्रीट दीज इंक्लूडेड इन सामानों में शामिल था टेबल सिल्वर वेयर्स चांदी के बने हुए काटा छुरी और चम्मच एंटीक प्लेट्स कुछ प्राचीन प्लेट्स एंड अदर नाइस थिंग्स और कुछ दूसरी अच्छी बहुमूल्य चीज़ें सच एस जैसे कि आयरन हानुका कैंडल होल्डर कैंडल होल्डर आयरन की हानुका की वुलन टेबल क्लॉथ एक गर्म सा टेबल क्लॉथ एंड ग्रीन निटेड कार्डिगन और एक हाथ से हाथ का बना हुआ कार्डिगन यानी कि स्वेटर विथ वुडन बटन्स, जिसके वुडन बटन्स थे बच्चों लकड़ी के बने हुए बटन्स थे सिंस मिसिस है एस है डाइड ड्यूरिंग द वॉर चूँकि मिसिज एस का देहांत हो गया था उस युद्ध के दौरान मिसिज डॉर्लिंग डिड नाट एक्सपेक्ट मिसिज डॉलिंग को कोई उम्मीद नहीं थी दट एनी वन टू कम बैक कि कोई भी वापस आएगा एंड क्लेम हर कॉस्टली बिलोंगिंग्स और क्या करेगा वह अधिकार जमाएगा मिसेस एस की उन कीमती चीज़ों पर एज शी थॉट क्योंकि उनको ऐसा लगा था वन एल्स न्यू हर एड्रेस क्योंकि किसी को भी उनका पता नहीं पता द स्टेटमेंट इंडिकेट्स ये जो वाक्य है ये इस ओर इशारा करता है द ग्रीडी एंड पजेसिव नेचर ऑफ मिसिस डॉर्लिंग कि मिसेस डॉलिंग का एक लालची और पजेसिव सा स्वभाव था नेचर था शी डिड नॉट ओपन द डोर टू द डॉटर ऑफ हर फॉर्मर एक्वेंटिस मिसेस डॉलिंग ने दरवाज़ा भी नहीं खोला था बेटी के लिए उनकी परिचित महिला की नॉर डिड शी शो एनी साइन ना ही उन्होंने कोई साइन दिया ऑफ रिकोगशन कि उन्होंने उस बच्ची को पहचान लिया है She did not let the girl in. उन्होंने उस लड़की को घर के अंदर भी नहीं आने दिया She refused to see her, then saying it was not convenient for her to do. उन्होंने उससे मिलने से भी इनकार कर दिया ये बोल के कि ये अभी उनके लिए कन्वीनियंट नहीं है द नरेटर हैड गॉन टू दिस एड्रेस ये जो नरेटर है ये जो लेखिका है वो इस पते पर गई थी विद अ स्पेसिफिक पर्पज एक खास पर्पज से एक खास उद्देश्य से टू सी हर मदर्स बिलोंगिंग्स अपनी माता की उन चीज़ों को देखने के लिए इवन वेन शी टोल्ड मिसिस डॉलिंग यहाँ तक कि जब उस बच्ची ने मिसेस डॉलिंग को बताया दैट ओनली शी हैड कम बैक कि केवल वही वापस आई है द वुमन विद अ ब्रॉड बैक उस चौड़ी कमर वाली महिला ने डिड नॉट सॉफ्टन बिट वो उनका दिल बिल्कुल भी सॉफ्टन नहीं हुआ नहीं पिघला द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट इज हिंटेड एट बाई द अफॉर्सेड स्टेटमेंट ये जो पहले बोला गया वाक्य था इसमें यही हिंट किया गया है यही इशारा किया गया है कि उनके जो रुचियां हैं उनमें कितना ज़्यादा वो रुचियां कितनी ज़्यादा अलग अलग हैं दूसरा सवाल द स्टोरी इज़ डिवाइडेड इन टू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स ये जो कहानी है वो डिवाइडेड है प्री वॉर वॉर के पहले की एंड पोस्ट वॉर वॉर के बाद के समय की वॉट हार्डशिप्स डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दिस टाइम्स किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस लड़की को वॉर के पहले और वॉर के बाद में आपको यही बात बतानी है हम लिखेंगे ड्यूरिंग द प्री वॉर टाइम्स वॉर के पहले के समय में द नरेटर लिव्ड इन सम अदर सिटी ये जो लेखिका हैं वो दूसरे शहर में रहती थी फार अवे फ्राम होम घर से बहुत दूर एंड शी विजिटेड हर मदर और वो मिलने आया करती थी अपनी माता से ओनली फॉर अ फ्यू डेज केवल कुछ दिनों के लिए ही ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर वॉर के वॉर के पहले के हिस्से में द नरेटर्स मदर जो लेखिका की माता हैं वॉज ऑलवेज अफ्रेड वो हमेशा डरती रहती थी दैट दे माइट हैव टू लीव द प्लेस कि उनको इस जगह को छोड़ना होगा एंड लूज और खो देना होगा और वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स अपनी उन सारी कीमती चीज़ों को द नरेटर लिव्ड इन द सिटी जो लेखिका हैं वो शहर में रहती थी इन अ स्मॉल रेंटेड रूम एक छोटे से किराए के कमरे में इट्स वर कवर्ड उस किराए के कमरे में क्या था विंडो थी और वो जो विंडोज थी वो कवर्ड थी ढकी हुई थी विथ ब्लैकआउट पेपर एक काले रंग के बहुत बड़े पेपर से शी कुड नॉट सी द ब्यूटी ऑफ नेचर वो लेखिका नहीं देख सकती थी प्रकृति की खूबसूरती आउटसाइड हर रूम अपने कमरे से बाहर द थ्रेट ऑफ डेथ लूम्ड लार्ज मतलब क्या है मृत्यु का भय बहुत ज़्यादा था आफ्टर द लिबरेशन स्वतंत्रता के बाद में फ्रीडम के बाद में एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल अगेन सब कुछ पहले जैसा हो गया ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर जो ब्रेड थी जो खाते थे वो लोग वो भी अब थोड़े हल्के रंग की होने लगी शिकुड स्लीप इन हर ब्रेड वो अब अपने बिस्तर में सो सकती थी विदाउट एनी फीयर ऑफ डेथ बिना किसी मृत्यु के डर के शिकुड ग्लानस आउट ऑफ द विंडो वो खिड़की के बाहर देख सकती थी ऑफ हर रूम ईच डे अपने कमरे से हर रोज यानी बाद क्या हुआ ये जो बच्ची थी वो अपने कमरे के बाहर खिड़की से देख सकती थी नज़ारा प्रकृति का One day, एक दिन ईगर टू सी ऑल द पोजिशन ऑफ द मदर वो बहुत ज़्यादा लालयत थी अपनी माता की उन सारी चीजों को देखने के लिए विच शी न्यू वर स्टोर्ड एट नंबर फोर्टी सिक्स मार्कोनी स्ट्रीट और इस बच्चे को पता था कि वो सारा सामान रखा गया है एक एड्रेस पे और उस एड्रेस वो एड्रेस कौन सा है नंबर फोर्टी सिक्स मार्कोनी स्ट्रीट शी वेंट टू द एड्रेस ये बच्ची उस एड्रेस पे गई उस पते पर गई शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड उस बच्ची को बहुत ज़्यादा निराशा हुई वेन जब मिसिज डॉर्लिंग नीदर रिकगनाइज हर नॉर लेटर इन जब मिसिज़ डॉलिंग ने ना उसको पहचाना ना ही उसको अंदर आने दिया शी आस्ड हर टू कम अगेन समडे मिसिस डॉलिंग ने यह बोला कि तुम किसी और दिन वापस आना इट वॉज एविडेंट शी वॉन्टिड टू पुट हर ऑफ ये बिल्कुल जाहिर था कि वो नहीं चाहती थी कि वो उस बच्ची से मिले शी वॉज ईगर टू सी टच एंड रिमेम्बर हर मदर्स पोजिशन लेकिन शी यहाँ पे शी कौन है नरेटर तो जो नरेटर है जो लेखिका है वो बहुत ज्यादा ललायत थी अपनी माता की उन चीजों को देखने के लिए सो शी हैड टू टेक द ट्रबल ऑफ विजिटिंग द प्लेस अगेन और इसी कारण से इस बच्चे को फिर से जहमत उठानी पड़ी उस जगह पे दोबारा जाने की तीसरा सवाल वाई डिट द नरेटर ऑफ द स्टोरी वॉन्ट टू फगेट द एड्रेस इस कहानी की जो लेखिका हैं वो इस पते को क्यों भूलना चाहती थी नरेटर रिमेंबर्ड द एड्रेस एज अ मदर हैड हर ओनली वंस ये जो लेखिका हैं उनको ये पता याद था जबकि उनकी माता ने केवल एक बार उन्हें ये बताया था और वो एड्रेस क्या था वो पता क्या था इट वॉज़ नंबर फोर्टी सिक्स मार्कोनी स्ट्रीट वो पता था नंबर फोर्टी सिक्स मार्कोनी स्ट्रीट हर मदर्स एक्विंटेंस उनकी माता की एक परिचित मिसेस डॉलिंग लिव देअर रहा करती थी वहाँ पर शी हैड स्टोर्ड उन्होंने संग्रहित करके रखी थी द वैल्युएबल बिलोंगिंग्स जो कीमती चीज़ें थी ऑफ द नरेटर्स मदर उस लेखिका की माता की देअर वहाँ पर आफ्टर हर मदर्स डेथ उनकी मृत्यु के बाद में यानी कि मिसेस एस की मृत्यु के बाद में द नरेटर हैड एन अर्ज टू विजिट द प्लेस नरेटर की लेखिका की काफ़ी ज़्यादा इच्छा हुई उस जगह को देखने की शी वॉन्टेड टू सी दोज थिंग्स वो देखना चाहती थी उन चीज़ों को टच दैम छूना चाहती थी एंड रिमेंबर और वो याद करना चाहती थी शी वेंट टू द गिवन एड्रेस ट्वाइस वो उस दिए गए पते पर दो बार गई थी शी वॉज सक्सेसफुल वो सफल हुई इन हर सेकेंड अटेम्प्ट अपनी दूसरी कोशिश में टू एंटर द लिविंग रूम उस घर के लिविंग रूम के अंदर जाने में शी फाउंड हर सेल्फ उनको क्या लगा उस लेखिका को ऐसा लगा कि वो हैं इन द मिड्स ऑफ थिंग्स उन चीज़ों के मध्य में मिड्स में मतलब मध्य में शी वॉन्टेड टू सी अगेन जिसको वो देखना चाहती थी शी फेल्ट ऑप्रेस्ड इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर पर इस अजीब से वातावरण में इस महिला को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था एवरी थिंग वॉज अरेंज इन टेस्टलेस वे सब कुछ जो कीमता कीमती सामान था इस लेखिका की माता का वो सब कुछ जमाया गया था व्यवस्थित किया गया था बहुत ही खराब तरीके से द अगली फर्नीचर जो कुरूप सा गंदा सा फ़र्नीचर था एंड द मगी स्मेल और एक गंदी सी गंध थी दैट हंग देयर जो कि वहाँ पर थी सीम्ड क्वाइट अनप्लीजेंट वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिय लग रही थी ब्जेक्ट्स ये जो चीज़ें थी एवोक द मेमरी ऑफ द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम इन चीज़ों ने जगह थी जगह दी थी वो यादें अपने पहले के जीवन की बट दे हैड लॉस्ट देअर वैल्यू लेकिन इन चीज़ों ने अपनी कीमत खो दी थी सिंस चूँकि दे हैड बीन सेपरेटेड फ्राम हर मदर क्योंकि वो चीज़ें अलग की कर दी गई थी उसकी माता से एंड स्टोर्ड और उनको संग्रहित किया गया था इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स अजीब से वातावरण में शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू सी और अब ये जो लड़की थी नहीं देखना चाहती थी टच और रिमेम्बर दीज बिलोंगिंग्स ना तो छूना चाहती थी और ना तो याद करना चाहती थी इन चीज़ों को शी रिजॉल्व टू फकेट द एड्रेस और इसी कारण से इसने प्रण लिया कि वो इस पते को भूल जाएगी शी वटेड टू लीव द पास्ट बिहाइंड वो अपने भूतकाल को वहीं पीछे छोड़ देना चाहती थी एंड डिसाइडेड टू मूव ऑन और वो आगे बढ़ना चाहती थी तीसरा सवाल तो बच्चों ये वाला जो सवाल है ये तो वही सवाल है ये हम कर चुके हैं चौथा सवाल द एड्रेस इज़ अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेसिडमेंट दैट फॉलोज़ वॉर कमेंट ये जो एड्रेस है ये जो कहानी है ये एक इंसान के भावनाओं के बारे में है एक युद्ध के बाद में इसके बारे में आपको कमेंट करना है इसके बारे में आपको व्याख्या देनी है हम लिखेंगे द वॉर क्रिएट्स मैनी डिफ़िकल्ट एंड अनप्लीजेंट सिचुएशंस एक युद्ध काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और अप्रिय हालात बना देता है फॉर ह्यूमन बींग्स इंसानों के लिए समटाइम्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू नो वॉट टू डू कई बार तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये जानना भी कि हमें क्या करना चाहिए The human predicament that follows war is amply illustrated through the experience of narrator. ये जो इंसानों के जो जो जद्दोजहद है, वो बताई गई है इस कहानी के द्वारा, नरेटर के द्वारा। The war had caused many physical difficulties. एक युद्ध बहुत सारी शारीरिक समस्याएं तो लेके आता है, as well as emotional. सफरिंग्स टू हर साथ ही साथ लेके आया भावनात्मक कष्ट भी उस लड़की के लिए शी हैड लॉस्ट हर डियर मदर इस बच्ची ने अपनी प्रिय माता को खो दिया था शी वेंट टू फोर्टी सिक्स मार्कोनी स्ट्रीट और इसी कारण से ये बच्ची गई थी फोर्टी सिक्स मार्कोनी स्ट्रीट में टू सी हर मदर्स वैल्यूएबल पोजिशंस देखने के लिए अपनी माता के उस कीमती सामान को हाउ ग्रीवी एंड कैलेस ह्यूमन बींग्स एक इंसान कितना ज्यादा लालची हो सकता है कैन बिकम मतलब बन सकता है इज एग्जेम्पलीफाइड बाई द बिहेवियर ऑफ मिसिज डॉलिंग ये बताया गया है उदाहरण देकर मिसिज डॉलिंग का शी हैड स्टोर्ड ऑल द वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स मिसेस डॉलिंग ने संग्रहित करके रखी थी सारे कीमती चीज़ों को ऑफ नरेटर्स मदर लेखिका की माता की बट शी रिफ्यूज़ टू रिकोगग्नाइज द नरेटर मगर मिसेस डॉलिंग ने इनकार कर दिया पहचानने से किसको नरेटर को लेखिका को शी डिड नॉट इवन लेट हर इन मिसेस डॉलिंग ने लेखिका को अंदर भी नहीं आने दिया द प्रेजेंस ऑफ हर मदर्स पोजेशंस इन स्ट्रेंज atmosphere pained हर जो उपस्थिति थी प्रेजेंस थी यानी कि उपस्थिति थी उसकी माता की उन चीज़ों की एक अलग वातावरण में उन चीज़ों की कारण इस लेखिका को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ नाउ दीज वैल्यूएबल्स हैड लॉस देयर इम्पोर्टेंस और अब इन कीमती सामानों ने अपनी उस इम्पोर्टेंस को अपनी अहमियत को खो दिया था एज दे हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर क्योंकि ये सारा सामान अलग कर दिया गया था उनकी माता से शी कुड गेट नो सोलेंस और कम्फर्ट फ्रॉम देम और अब इस बच्ची को उन चीजों से जरा सी भी शांति नहीं मिल सकती थी तो बच्चों मजा आया आपको कहानी में हमने बहुत सारी बातें जानी इस कहानी में मिसेस डॉलिंग के बारे में अब मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ बने रहिएगा मेरे साथ